पिलर देखो कहाँ लगाए हैं दोस्तों, और व्हील कब कैसे लग रहे हैं गाड़ी के कमेंट में जरूर बताना। पहले ऑयल चेक करते हैं दोस्तों। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल देसी व्लॉग लोर। तो कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मस्त होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सांस चढ़ी हुई है बहुत ज़्यादा, और आज मन किया क्यों ना एक व्लॉग बनाए। आज बहुत दिन हो गए, और आपको दिखा दें कि लोरन में क्या हो रहा है और कैसा मौसम हो रहा, तो वो आपको देखने को मिलेगा इस व्लॉग में। व्लॉग पूरा देखें और करते हैं इस खूबसूरत से व्लॉग को स्टार्ट। इधर से एक बंदा सुबह सुबह आ रहा रोड से, बाकी कोई नहीं दिख रहा मेरे को। सुबह सुबह का टाइम है भाई, ये देखो मेरा हाल क्या हो रहा है। ठंड से स्वेटर लगाई हुई है और बाल अभी भी गीले हैं, और ये नींद से जग गया। सुबह सुबह ठीक से ठीक। कहाँ था सुबह सुबह तू? सुबह सुबह जियारत पे गया था अभी। अच्छा। उसको उठाया वहाँ से। उठा वो गाड़ी में चलना चाहिए, उधर ही चिल्लाऊंगा बिना चेयर दोस्तों। भाई चुप करके बोलता वीडियो खिला दे, मेरे पास तो आया नहीं, खिला देता मैं। देखा क्या ड्रामा कर दिया सुबह सुबह। तो चलिए चलते हैं। अभी मेरे को इस जगह पे देख रहे हो ना, ये निशान सा काला, इसमें मैंने दोस्तों थोड़ा सा वो लगाया है, और इसमें दर्द बहुत ज़्यादा है। आज 5-6 दिन हो गए, ये बहुत ज़्यादा फूल गया हुआ था, सूज गया हुआ था, इसलिए मैं कैमरे के सामने नहीं आ पा रहा था। तो चलिए आज मन किया व्लॉग बनाए, व्लॉग में बने रहे। स्वेटर लगाई है, बहुत ज़्यादा सर्दी बढ़ गई है लोरन के इलाके में। तो दोस्तों अपनी लोकेशन पे पहुंच चुका हूँ, जहाँ पर हम गाड़ी लगाते हैं। देख सकते, मैं दिखा दूंगा अपने गांव का आज का व्यू, ये देख सकते हैं आप। 1 महीना पहले कैसा लग रहा था लोरन, और आज देखिए कैसा लग रहा है। और इसके बाद लगभग 15 दिन के बाद जो है ना, ठंडी की वजह से सब पेड़ों से जो है ना पत्ते गिरने शुरू हो जाएंगे। व्हील कब कैसे लग रहे हैं गाड़ी के कमेंट में ज़रूर बताना। पहले ऑयल चेक करते हैं दोस्तों। निकाल गए अजपुर, साफ करके डालना। सोया रहता ना। और दोस्तों रात को ना एक बंदे को हमें गाड़ी में सोना ही सोना पड़ता है। एक दिन एक सोएगा, दूसरे दिन दूसरा सोएगा, बस यही करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा डर रहता है। क्योंकि पिछले हफ्ते यहाँ से ना जो है ना बैटरियाँ चोरी हुई हैं बाइकों से और गाड़ियों से, तो उसका डर रहता है बहुत ज़्यादा दोस्तों। पूरा है पूरा रहने, पानी देख लेना डब्बे में है, तो इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो इसलिए हमें रात को जो है ना एक बंदा गाड़ी में ही रहता है, तो क्योंकि चोरों का कोई भरोसा नहीं होता है कब अटैक करें और क्या करें, क्योंकि स्टैंप नहीं होती है, ऊपर बैटरियां होती हैं गाड़ी में, और भी बहुत सारे चीज़ होते हैं, तो इनसे जो है चोरों से बहुत डर लगता है। तो चलिए अभी मैं मारता हूँ गाड़ी में सेल्फ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हो गई है दोस्तों गाड़ी स्टार्ट। टायरों में ना पत्थर चले जाते हैं छोटे छोटे दोस्तों, क्योंकि टायर नए हैं, तो इसमें जो है जल्दी पत्थर घुस जाते हैं, तो उनको निकालना भी पड़ता है साथ साथ में। पूरे नए टायरों में ज़्यादा मुसीबत है, और ये देखो कितने कितने बड़े बड़े पत्थर घुस जाते हैं। उनको अगर साथ साथ नहीं निकालेगा ना बंदा, तो ये पूरे पत्थर से भर जाएंगे। तो नए टायरों में यही काम है भाई, ये पत्थर निकालते रहो। दोस्तों चलता हूँ मैं बडलकोट की तरफ, अभी गाड़ी पे बैठ गया हूँ, और चलते हैं बडलकोट, और जितना भी हो सकेगा हम सब उतना ब्लॉग बनाएंगे, और ब्लॉग पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फेसबुक पेज को फॉलो कर दें। तो इतनी सी रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों, और वो आपको पूरी करनी है।
तो इसीलिए व्लॉग नहीं आते हैं दोस्तों, क्योंकि आप कमेंट में लिखते रहते हो और बोलते भी रहते हो कि व्लॉग क्यों नहीं बन रहा है। व्लॉग इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि आप सपोर्ट नहीं करते यार, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें इस वीडियो में, इंशाल्लाह हम व्लॉग डेली डाल पाएं, बस इतना ही रिक्वेस्ट है। तो चलिए चलते हैं हम बड़ीकोट। ये लोरिंग में ठंड हो गई है, 5-6 दिन हो गए, बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है। घास जो है वो लोगों ने काट लिया है, मक्की भी काट ली है, और ये देख सकते हैं ना अभी चनार के पत्ते आप देख सकते हैं, और यही से अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कितनी ठंड है। ये देखो कितने लाल हो चुके हैं पत्ते सारे, और कुछ पेड़ों से जो है पत्ते गिर भी चुके हैं। ये देखो कितने पत्ते यहाँ पे नीचे गिरे हुए हैं चनार के, देखो तो इतनी ठंड बढ़ गई है। तो अभी मैं बडलकोट की तरफ जा रहा हूँ दोस्तों, और क्योंकि सुबह रात को हम जब गाड़ी खाली करते हैं बडलकोट, और फिर हम वापस आ जाते हैं अपने घर की तरफ, और यहाँ पर गाड़ी लगाते हैं तो फिर घर जाते हैं दोस्तों। तो अभी सुबह सुबह जो है हम फिर वापस बडलकोट अपने स्टैंड पे जाते हैं, तो वहाँ से जो है पुंछ की तरफ जाते हैं दोस्तों। तो व्लॉग पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा पार जाके ना, मैं यहाँ पर एक ईदगाह बना है दोस्तों, और उस ईदगाह में जो है काम हुआ है, बहुत अच्छा काम हुआ है मुझे। मैं कल ही सोच रहा था ईदगाह को दिखा दूँ, लेकिन कल टाइम नहीं लगा, तो इसलिए मैं आज तुम्हें वो ईदगाह दिखाऊंगा दोस्तों। इस ईदगाह की मैं बात कर रहा था, तो अभी मैं फिलहाल ईदगाह गेट के पास पहुंच चुका हूँ। यहाँ पर ताला लग रहा है, और गेट के ऊपर देखिए गुम्बद कितने अच्छे अच्छे लगाए हैं, देख सकते हैं आप। ये बाहर से मंगवाए हैं दोस्तों, ऊपर जो ये लगाए हुए हैं, देखो कितना खूबसूरत लग रहा है गेट। तो अभी मैं अंदर से भी दिखाता आप सबको कि कितना काम हुआ है इस ईदगाह में, तो कितना प्यारा बनाया हुआ माशाल्लाह। तो अभी ऊपर चलेंगे ना, आ जा ऊपर चलेंगे, तो मैं साइड से निकल के ना ऊपर जाऊंगा दोस्तों आपको दिखाने। इस साइड से तार को उधर खींचना थोड़ा, अल्लाह मट्रोजर ही मेरा जाए, देख सकते हैं अभी मैं ऊपर ले चलूंगा तुम्हें। बहुत अच्छा काम हुआ है, बहुत सुंदर काम दोस्तों, पहले जो है ना यहाँ पर इतना अच्छा नहीं होता था। तो ये देख सकते हैं अभी इस साइड से मैं आपको दिखाता हूँ कितना प्यारा लग रहा है, ये देख सकते हैं माशाल्लाह। तो ऊपर का काम भी दिखाऊंगा आपको, ये पूरी आरसीसी साइड भरी गई इसमें, और इसमें भी देख सकते हैं अभी दोस्तों नीचे से आरसीसी भरी है, और ये देखो इस साइड से ऊपर जाने का रास्ता इस साइड से भी, और पानी यहाँ पर लगा हुआ है। तो माशाल्लाह ऊपर जो है ना यहाँ पे जो है मेहराब का काम हो रहा है, तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ तक काम पहुँचा है। तो अभी जो है ईदगाह बहुत अच्छा बना है बडलकोट का दोस्तों, ये देखो यहाँ पर जो है अभी हमें काम चल रहा है, चल नहीं रहा अभी तो फिलहाल, वो आप अपने घर पे हैं, लेकिन काम हो रहा है। ये देखिए इसके पिलर देखो कहाँ लगाए हैं दोस्तों, और नीचे पहले तो यहीं पे इसका मेहराब होता था यहाँ पे, यानी कि इसी डंगे के ऊपर, अभी जो है इसको थोड़ा आगे बढ़ा दिया हुआ है बिल्कुल बाहर निकाल के, और दो पिलर एक उस साइड एक इस साइड लगा के इसको थोड़ा आगे करके ना। तो अभी यहाँ से देख सकते हैं कितना, ये देखो नीचे कितनी खाई है। तो इसको जो है यहाँ पर एक पिलर इस साइड से खड़ा होगा, और एक इस साइड से, और एक शायद इस साइड से, चार पिलर होके यहाँ पर मेहराब बनेगा बहुत अच्छा। तो फिर आपको मैं पूरा दिखाऊंगा जब ये तैयार होगा। तो फिलहाल देखा आपने ये ईदगाह का काम कितना साफ़ सफाई से हुआ है, और लोगों ने भी बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया इसमें, और जिन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया हुआ, अल्लाह पाक उनको सेहत सलामत दे और खुश रखे, हंसते रखे, मुस्कुराते रखे दोस्तों। और जिन्होंने भी ये काम करवाया है तो उनके लिए भी मेरी दुआ है, अल्लाह पाक उनको भी सलामत रखे और खुश रखे, और अल्लाह ताला उनको ज़्यादा से ज़्यादा दे। और ये देख सकते हैं, और मुश्ताक भाई हमारा जिन्होंने इस काम को यहाँ पर अंजाम दिया, उसको अल्लाह ताला सेहत और सलामत दे। देख सकते हैं ये था ईदगाह दोस्तों जो आप देख रहे थे, कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी आपको।